गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर श्रावणी मुखर्जी, लेक्चर इन बॉटनी, मारवाड़ी कॉलेज रांची. द चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन एंड लेक्चर 26. टुडे वील डिस्कस अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द मेकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. नाउ व्हेन ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिकम टॉक्सिक, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ए मिनरल एलिमेंट is often toxic to plants. All minerals have a narrow range of requirement and become toxic at low concentration. Any mineral concentration that reduces the dry weight of tissue by about 10% is considered toxic. तो स्टूडेंट्स, अगर हम टॉक्सिसिटी को लेते हैं कि कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कब किसी प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर प्लांट का ड्राई वेट 10% घट जाता है, यानी लेस हो जाता है, कब? जब हम किसी मिनरल को ऐड कर रहे हैं तो वो डोज उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है. ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. किस तरह से मिनरल एलिमेंट्स जब रूट के द्वारा प्लांट के अंदर में जाता है तो किस तरह से वो हर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, द मेन फेजेस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इज इनिशियल फेज एंड मेटालिक फेज. The initial phase, there is a rapid uptake of ions into outer or free space of the cell through passive uptake. तो initial phase में जब root hairs किसी भी mineral को absorb करता है तो वो अंदर के cell में direct नहीं पहुँचता है, rather वो दो सेल के बीच में एक आउटर स्पेस होता है जिसको हम लोग फ्री स्पेस कहते हैं, वहाँ पर पहुँचता है. किस विधि से? तो पैसिव अपटेक से. ठीक है, नाउ द मेटाबॉलिक फेज. इन दिस फेज आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस ऑफ द सेल बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन. तो पहला जो इनिशियल फेज था स्टूडेंट्स, उसमें जितने भी मिनरल्स हैं वो सिर्फ सेल के बाहर रहते हैं और उसका जाने का तरीका क्या होता है? पैसिव होता है, पैसिव अपटेक. लेकिन जब सेल के अंदर उसको जाना होता है तो ये स्लोली स्लोली अंदर में जाता है और इसका जाने का तरीका है एक्टिव एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट को जिसमें आयंस का मूवमेंट होता है थ्रू मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं फ्लक्स. द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड इनफ्लक्स. मतलब जब कोई भी आपका माइक्रो एलिमेंट्स सेल के अंदर में जाता है तो उसको कहते हैं इनफ्लक्स, एंड द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड इफ्लक्स. यानी जब कोई मिनरल एलिमेंट सेल से बाहर निकल रहा है तो उसको कहेंगे इफ्लक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. ये तो था एब्जॉर्प्शन, हम लोगों ने जाना कि दो फेज में होता है, एक में पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरे में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है. अब ये ट्रांसलोकेशन, यानी ये ट्रांसलोकेट किस तरह से करेगा? तो मिनरल एलिमेंट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलोंग विद द एसेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर विच इज पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाई ट्रांसपिरेशन पुल. तो स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह से समझिए कि जब मिनरल पूरे रूट हेयर के सेल में और रूट के सेल में पहुंच गया तो अब इसको शूट में भी जाना है, स्टेम्स के सारे पार्ट्स में जाना है, लीव्स में जाना है और एकदम टिप ऑफ द प्लांट में जाना है. ठीक है, तो इसके लिए वो नीचे से ऊपर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसेंडिंग स्ट्रीम. और ये कौन करता है? तो जाइलम करता है, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल्स
किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू का नाम है जो हमेशा रूट से शूट तक ले जाने का काम करता है, यानी नीचे से ऊपर। तो इसको बोलते हैं एसेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, विच इज़ पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाई ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल एक तरह का मेकनिज़म है जिसके थ्रू से हम देखते हैं कि जो जड़ का पानी है वो बिल्कुल तना तक, एकदम टिप ऑफ द प्लांट में पहुंचता है। किसके थ्रू? ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू। ठीक उसी तरह जितना भी मिनरल्स हैं वो जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू पैसिव एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो वो ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू वो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं फ्रॉम रूट टू शूट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।